नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 4, 5 और 6 सितंबर के लिए दैनिक राशिफल। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं आपका दिन कैसा रहेगा। अब लेते हैं हमारी चौथी राशि कर्क राशि। आपके लिए जो पहला कार्ड अपेयर हुआ है वो है 4 of the Pentacles का। दूसरा कार्ड जो अपेयर हुआ है यह है 10 of the Swords का। तीसरा कार्ड जो आपके लिए अपेयर हुआ है यह है Ace of the Swords का। कर्क राशि, 4 सितंबर का जो दिन है, इस दिन आप अपने आप में एकाकी रहेंगे। अपने आप में थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी हो सकते हैं और कुछ खिन्न हो सकते हैं, जिसके पीछे वजह यह होगी कि जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं उन चीज़ों को कैसे हासिल किया जाए। आपका दिमाग इसी उधेड़बुन में लगा रहेगा, लेकिन यहीं पर इसी के सापेक्ष जो चीज़ें आपके पास हैं, जिन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, आप स्वभावतः 4 सितंबर को उन चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। और चूंकि उन चीज़ों को इग्नोर करेंगे तो जो आपके पास नहीं है उसको लेकर परेशान रहेंगे। 5 सितंबर के दिन आपकी कोई महत्वाकांक्षी परियोजना ध्वस्त हो सकती है, इसलिए अगर आपकी कोई महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है या किसी महत्वपूर्ण काम में आप इन्वॉल्व हैं, तो 5 सितंबर के दिन या तो आप छुट्टी ले लें या अपने आप को उस योजना से, उस महत्वपूर्ण कार्य से हटा लें। अगर किसी प्रकार की साझेदारी बनने जा रही है और आप उसमें इन्वॉल्व हैं, तो 5 सितंबर का जो दिन है उस दिन को टाल दें। एक दिन अगर आप टाल देते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आ गया है। 5 सितंबर का दिन आपके लिए बढ़िया नहीं है। आप इसे जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे, जितना ज़्यादा टालते जाएंगे, उतनी ही चीज़ें बढ़िया होंगी। देखिए, टालने का मैं जो आपको बता रहा हूँ उपाय, वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये दैनिक राशिफल हैं, और जैसे ही आप 5 सितंबर के दिन को इग्नोर कर देते हैं और टाल देते हैं सारी चीज़ों को, हर महत्वपूर्ण चीज़ को टाल देते हैं, वैसे ही दिन समाप्त होने के साथ साथ वो सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी। 6 सितंबर के दिन आप अपने आप में एक ऊर्जा का अनुभव करेंगे, आप अपने आप में बहुत पैशनेट रहेंगे, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी फील करेंगे। अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो वहीं पर आप अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या आप इन चीज़ों के लिए मैच्योर हैं। अगर आप मैच्योर हैं तो आप अपनी योजनाओं पर काम कर सकते हैं, और अगर नहीं हैं तो आपको अपनी योजनाओं पर फिर से विचार करना चाहिए, गहनता से सोचना चाहिए, गंभीरता से सोचना चाहिए, और तब कोई निर्णय लेना चाहिए। 6 सितंबर का जो दिन है, ये दिन एक रिफॉर्मेशन का होगा। इस दिन आप अपने आप को या अपने कार्य को कुछ नए की ओर मोड़ने की कोशिश भी करेंगे। बाकी इन तीनों दिनों में 5 सितंबर को छोड़ दें तो 4 और 6 को आपका दिन अच्छा रहेगा। परिवार के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, मित्रों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, धन की कोई समस्या नहीं होगी, प्रेम संबंधों में भी ये दिन अच्छे रहेंगे। हालांकि 5 सितंबर का जो दिन है ये आपके लिए अच्छा नहीं है, ना फैमिली मैटर में अच्छा है, ना प्रेम संबंध के लिए अच्छा है, और ना धन के लिए अच्छा है, तो इसे जितना टाल देंगे उतना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, ये था राशिफल 4, 5 और 6 सितंबर के लिए। मेरा प्रोग्राम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।